नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज आयुर्वेद से कैसे स्नान किया जाए, आयुर्वेद में स्नान की क्या विधि लिखी है, ये मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। स्नान कई तरह से होते हैं, नहाने के कई तरीके होते हैं। सन बाथ है, स्टीम बाथ है, सोना बाथ है, मड बाथ है। सबसे अच्छा बात है आयुर्वेद उपटन बाथ, आज उसी के बारे में बताती हूँ। कई लोग आप देखते हैं, कईयों की ऐसी आदत होती है कि सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं, 12 महीने चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो। कई लोग 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं, इनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई लोग देखते हैं आप बच्चों को भी ठंडे पानी से नहला देते हैं। अब मैं समझाती हूँ कि पहले ज़माने में, पुराने में, हम लोग नदी में जाते थे, नदी में बाकायदा नहाते थे, मल मल के नहाते थे, सूर्य को पानी जल चढ़ाते थे और घर वापस आते थे। कटी स्नान था, आधा शरीर पानी में डूबा हुआ होता था। ये आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही सही था, लेकिन संभव नहीं है वर्तमान में। सभी को जल्दी होती है, तो जिनका पित्त बिगड़ा हुआ है, जिनके शरीर में गर्मी है, ऐसे लोगों को कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। और जिनका कफ बड़ा है, जिनको अस्थमा है, उन्हें हमेशा कुनकुने पानी से ही नहाना चाहिए। कफ वाले भी ठंडे पानी से नहा लेते हैं, अस्थमा बिगड़ने लगता है। पित्त वाले जिनके शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा है, उनको हमेशा ठंडा पानी ही प्रयोग में करना चाहिए। और रही स्टीम बाथ और सोना बाथ की बात, तो पित्त प्रकृति वालों को उससे बचना चाहिए, कफ वालों के लिए अति उत्तम है। आप देखते हैं फॉरेन में इसका चलन ज़्यादा है, USA में। मैं जाती हूँ वहाँ पर और वहाँ देखती हूँ कि उनके लिए ठीक है। वो बहुत चिकनाई खाते हैं, बहुत चीज़ और बटर खाते हैं, तो उनके शरीर में कफ बड़ा होता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन हम भारतीयों के लिए, आप सुबह जल्दी उठें और उपटन, मैं किसी दिन अपने एक वीडियो से उपटन बनाना बताऊँगी, आप उसको मल मल के आप उसको शरीर में मलिए और फिर नहाइए। स्नान से पहले आप कितने भी व्यस्त हों, पर तेल का मदन, मतलब तेल की मालिश जरूरी है शरीर में, उसके बाद उपटन से नहाएं। उपटन संभव नहीं है तो मालिश के बाद आप साबुन लगा लें, उसका देख लें आप pH लेवल क्या है, और वो साबुन आप लगा के फिर नहाएं। कई बार मैं देखती हूँ कि माताएँ छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, पानी में हाथ डालती है और देखती है टेम्परेचर और बच्चे को नहला देती है। ये सरल बहुत ही गलत है। कभी भी हाथ की उंगलियों से पानी का तापमान नहीं नापा जाता है। कोहनी से आप कोहनी पानी में डुबाएं, फिर देखें आपको ठंडा गर्म का सही अंदाज मिलेगा। उस पानी से स्नान करना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि सभी को उपटन लगा के ही स्नान करना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों से आपको स्नान करना चाहिए, जो हमारी वनस्पतियाँ हैं उससे स्नान करना चाहिए। और इससे शरीर बहुत स्वस्थ रहता है, दीर्घ आयु रहती है और लक्ष्मी रहती है, और अपना पॉजिटिव रहता है। कई बार मैंने एक बात और गौर की हूँ मेरे पेशेंट से, कि भोजन के तुरंत बाद नहा लेते हैं या भोजन के तुरंत पहले नहा लेते हैं, ये भी गलत है। स्नान के बाद तुरंत दौड़ने चले जाते हैं, स्नान में और आपके यो दौड़ने में 2 घंटे का गैप चाहिए। भोजन के 2 घंटे के बाद आपको स्नान करना चाहिए या भोजन के 2 घंटे पहले, क्योंकि भोजन में अग्नि बढ़ती है शरीर से, पाचन क्रियाएं हमारी तेज़ हो जाती हैं, उस समय स्नान करना ठीक नहीं है। आप तापमान का जरूर ध्यान रखें। वात वालों के लिए तो आप कुनकुना पानी से 12 महीने नहाएं, अगर बहुत गर्मी है तो फिर ठंडे पानी से नहा सकते हैं। अदरवाइज बहुत ठंडी में आप ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं है, मत नहीं है। मैं कफ वालों को फिर बोल रही हूँ, अस्थमा, सर्दी, जुखाम, मोटापा, सिर दर्द, नजला, जुखाम, ऐसे व्यक्तियों को ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये व्याधियाँ आपके शरीर में और बढ़ेगी। जो स्थूल व्यक्ति हैं उनको गर्म पानी से ही नहाना चाहिए,
और जिनका मैं फिर बोलूंगी अग्नि तत्व बड़ा है, जिनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, दुबलापन है, ऐसे व्यक्ति जिनका पित्त बड़ा हुआ होता है, खट्टी डकारे, हाजमा ठीक नहीं है, उन्हें हमेशा ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। नमस्कार, मैं अगले वीडियो में और मिलूंगी आपसे। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नवग्रह स्नान भी एक होता है, जिसके जो ग्रह का प्रभाव जिसके शरीर में कम होता है, किसी का गुरु कमजोर होता है, किसी का शुक्र कमजोर होता है, तो उनके जड़ी बूटियों से, उनके औषध पौधों की जड़ से पानी में डाल के स्नान करने से बहुत फायदा मिलता है। ये जो दुष्ग्रह है या ग्रह का प्रभाव कम है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, उनका अंक बढ़ने लगता है। बहुत फायदेमंद ये चीज़ है। नवग्रह स्नान भी मैं किसी दिन बतलाऊंगी आपको।